स्वागत है शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए व्लॉग में। और आज इस व्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं सिवान, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि हमारा जो सिवान एक्वेरियम वाला वीडियो था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और बाकी लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि उसका जो है कोई दूसरा दुकान है या नहीं, डिलीवरीज आउटसाइड वहाँ के मतलब वहाँ से कुछ दूरी पे अवेलेबल है या नहीं। तो हमने सोचा कि सब चीज़ों का जवाब एक बार फिर से ढूंढने चल लेते हैं वहाँ पे। और कुछ काम भी है मीरगंज में, हमारे फूफा जी का टेंट चलता है, उसमें कुछ सामान है तो उसको भी रिपेयर कराना है वहाँ पे चल के मीरगंज में, तो उसको दे देंगे हम बनने के लिए और निकल जाएंगे हम सिवान। कुछ काम करेंगे अपना भी, और एक काम है मेरे को वो भी करना है, तो सब कुछ करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए लेके आ रहे हैं अच्छी सी एक नई वीडियो फिश के ऊपर, तो बने रहिए हमारे साथ। और मैं पीछे भी बस इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट कर सकूँ, बाकी गाड़ी मुझे ही चलानी है, लेके आगे तक मुझे ही जाना है। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो है एक गिव अवे का प्लान बन रहा है, तो इसके लिए आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ आगे चल के। मतलब अगले महीने में एक गिव अवे का प्लान रख रहे हैं हम, तो उम्मीद करता हूँ कि वो जो प्लान हम बना रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे और एक गिव अवे हम कर सकें इस अगले महीने में। और जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, बस आप अपडेटेड रहिए हमारे शुक्ला लाइव चैनल के साथ। बाकी आप लोगों को मिलते हैं हम सिवान में, तब तक आप देखिए कुछ रोड के सीन्स। Drinks back. Blue water smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Cause I'm nervous. It's you. तो अभी हम पहुंच चुके हैं मीरगंज में और छोटा सा काम था, वही जो सामान देना था वो दे दिए हैं और अभी थोड़ा करेंगे कुछ पेट पूजा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने नए न्यू सिवान एक्वेरियम में। इसका ब्लॉग जो मैंने फर्स्ट वाला बनाया था वही वाला ब्लॉग था, और वापस से फिर आज इसी दुकान में बहुत दिनों के बाद से। देखते हैं भैया जी के हैं कि नहीं, मछलियाँ तो बहुत सारी हैं, आपको सीन दिखा दें यहाँ का। देख लीजिए अपना, तो अभी हम आ चुके हैं न्यू सिवान एक्वेरियम में। और ये जो भाई साहब हैं, ये हमारे फर्स्ट ब्लॉग में भी आप देख सकते हैं इनको, जो हमने वीडियो शुरू किया था, ब्लॉग बनाना शुरू किया था, तो फर्स्ट जो ब्लॉग बनाया था हमने इसी दुकान का बनाया था। और ये भाई साहब भी थे और इनके एक और भाई हैं वो भी थे यहाँ पे। और उस टाइम मछलियाँ जो थी काफ़ी अलग थी, इस टाइम जो है मछलियाँ काफ़ी अलग अलग हैं, रेट्स में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो आप लोग को पूरा एक ब्रीफ में वीडियो बना के हम आपको देने की कोशिश करते हैं। पहले इनके भाई साहब आते हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको, और बहुत सारी अलग अलग फिश हैं यहाँ पे, आपको उन सबके एक एक अलग अलग वो दिखाते हैं हम, जो क्या कहते हैं फीचर्स हैं वो दिखाते हैं हम आपको।
ये देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी ऑस्कर्स हैं यहाँ पे इनके पास, और ये कुछ आम मछलियाँ नहीं है, ये इतनी खतरनाक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही मेरी उंगली, और ये जैसे ही ऊपर गई खाने को तैयार है ये। और ये अभी देखे देखे देखे, आजा आजा, ये मेरी उंगली अभी दिख भी नहीं रही इसमें, ऊपर से मैंने डाल रखा है। और ये इधर इधर देखिए, इधर देखिए, ये तैयार है। देखिए देखिए, ऊपर आ रही है मछली, ऊपर आ जाती है। इसमें 5-6 मछलियां थी, लोग बहुत एग्रेसिव थे। इन्हीं सबकी कैटेगरी की देख सकते हैं आप, कलर वगैरह सब देख सकते हैं, देख के ही खतरनाक लग रही है। और ये वाली मछली तो शायद, क्या पता आपने देखी हो या नहीं, इसके तो बड़े बड़े दांत भी हैं, पता नहीं आप लोग को दिख रहे होंगे या नहीं, इसके बड़े बड़े दांत हैं। ये मछलियों को सीधे एलिगेटर जैसी ही इसकी शक्ल है, और एलिगेटर फिश नाम भी है इसका शायद, है ना? एलिगेटर गार नाम है इसका। ये भी सीधे मछलियों को खा जाती है। बाकी ये सब शार्क्स हैं यहाँ पे, और इसमें अलग अलग फिश है। ये कौन सी फिश है? ये शॉर्ट बॉडी हॉर्न है। शॉर्ट बॉडी हॉर्न है, और एक जो सर पे बना होता है ऐसे, वो फ्लावर हॉर्न है। फ्लावर हॉर्न होता है, वो नहीं है क्या आपके पास? अभी फिलहाल नहीं है। और ये कौन सी मछलियाँ हैं? ये मिल्की है। मिल्की हेल में है। और ये सब तो वो है, गोल्ड फिश है सब। हाँ। ये कौन सी है? ये तो सारी एग्रेसिव लग रही है। नहीं, ये नॉन एग्रेसिव नहीं है। नॉन एग्रेसिव है ये सब। एल्बिनो शार्क और किसिंग, यहाँ पे किसिंग है, ये शायद किसिंग है ना। और ये एल्बिनो शार्क इधर। बहुत तरह तरह की मछलियाँ हैं यहाँ पर, और एक्वेरियम भी इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब ऑर्डर देने पे यहाँ पे मिल जाते हैं, और काफ़ी सारे एक्वेरियम हैं पीछे, बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब इनके भाई साहब आते हैं तो उनसे हम थोड़ी बातें करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे। मछलियाँ भी काफ़ी तरह की हैं यहाँ पे, और इनमें जो शोकेस भी हैं, शोपीस जो हैं, वो भी बहुत सारे सारे अच्छे अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सब चीज़ें आपको दिखाते हैं एक एक करके। बेटा फिश को आप, मैंने दिखा दिया आपको, बहुत 4-5 हैं यहाँ पे, और भी जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे आते रहते हैं यहाँ पे। तो अभी आप लोगों ने जो देखा वो हम थे न्यू सिवान एक्वेरियम में। अब यहाँ से चलेंगे हम, आपको दूसरा भी एक एक्वेरियम शॉप है यहाँ पे, रॉयल एक्वेरियम, आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ काम है, वहाँ पे लेके चलते हैं आपको, वहाँ पे कुछ सीन दिखाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. और अभी हम आ चुके हैं रॉयल सिवान एक्वेरियम के पास, आपको लेके चलते हैं अंदर, मुलाकात कराते हैं, और फिर देखते हैं क्या बात बनती है। A few moments later. तो हमारा जो काम था रॉयल एक्वेरियम में वो तो हो गया, अब वापस से हम आ चुके हैं न्यू सिवान एक्वेरियम में। भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया, अब यहाँ से अपना फटाफट काम करके निकलते हैं घर पे। एक ये और शार्क, क्या सर? हाँ, जोड़ लीजिए हिसाब सही से। तो अभी जो हमें खरीदना था, हमने न्यू सिवान एक्वेरियम से खरीद लिया है, और न्यू सिवान एक्वेरियम का एक ब्रीफ वीडियो जो है हम आपको बहुत जल्द बना के देने की कोशिश करेंगे। मैंने बात किया भैया से, वो बोले हैं कि और भी कुछ मछलियाँ वगैरह मंगाना है, और कुछ डीलिंग हुई हम लोग के बीच में, तो पहले वो चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे, फिर जैसे ही हो जाएगा सब चीज़ क्लियर, आपको जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना के दे देंगे, अच्छा सिनेमेटिक्स के साथ, पूरे कैमरे वगैरह के साथ इसका वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे। फिलहाल हमारा जो है वो रेडी हो चुका है सामान, और जो भी हमें लेना था वो ले लिया हमने। अब यहाँ से लेके जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचना है, क्योंकि नहीं अगर पहुँचे तो फिर मछलियाँ मर जाएंगी, इसलिए गाड़ी चालू करते हैं और भागते हैं। रास्ते में खाना है बिरयानी, तो पहले बिरयानी भी खा लेंगे। चलिए आपको मिलते हैं रास्ते में। A few moments later. तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है, मार्केट से मछली भी ले लिए हैं, और अपना जो भी मीरगंज में काम था, फूफा जी का टेंट वगैरह का काम था, वो भी अब हो ही गया। लाइट्स वगैरह बननी थी, बन गई हैं। अब मिलते हैं आपसे घर पे, बाकी बातें घर पे करेंगे। तो अभी हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, मछलियों को डाल दिया अपने एक्वेरियम में,
और ये जो है ये फिश नहीं हम लेके आए थे, ये वाली शार्क भी हम लेके आए थे इस बार, और बाकी ये सब पहले से ही हैं लोग। और यहाँ पे छुप के बैठी है ये वाली, ये लेके आए थे हम लोग। और ये वाली तो आपको पता ही होगी, ये कौन सी है, हाँ ये वाली है हमारी पारो, ये वाली, ये है हमारी पारो वाइट वाली, ये बहुत पहले से है। ये शार्क हम लेके आए इस बार, और किसिंग फिश लेके आए, ये किसिंग फिश, और एक शायद उसके पीछे है मकान के पीछे, ये रही, ये दिख रही है छोटी से छेद से, तो अभी हमने अपने एक्वेरियम में डाल दिया है। तो फाइनली हाल कुछ ऐसा है कि हम लोग सिवान से घर पे आ चुके हैं, और काफ़ी देर बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब से हम लोग पूरा सेटअप कर रहे थे, मछली वगैरह का सारा सेटअप कर दिया हम लोगों ने, और जो भी था हमने सब कर दिया। और आज के लिए बस इतना ही था, जहाँ पे गए हम लोग वहाँ पे जाके हमने कुछ बात करी है उन लोगों से, अब हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग फिर से उसी पे आए, लेकिन पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो वहाँ के बारे में। और एक बात आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो जो है एक्वेरियम फिश से रिलेटेड कब आएगी, ये बात मैं आप लोग को अभी बता नहीं सकता हूँ। अभी जो है आप लोग को अगर ये सवाल पूछना है तो डायरेक्ट उस दुकान के ऑनर से पूछिए कि वीडियो कब तक आएगी, क्योंकि जब वो बोलेंगे तभी हम जाके वहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। तो आपको उनका नंबर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से उनसे दुकान से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि वीडियो कब आ रही है, क्योंकि वही जानते हैं, और वो जब बोलेंगे तभी हम ये वीडियो बनाएंगे। और उससे पहले हो सकता है कि आपको एक भोरे के बारे में एक वीडियो मिले, वहाँ पे एक डॉग शॉप है, वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, अगर वो सक्सेस रहा तो मैं वहाँ का भी एक वीडियो आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि हम दिसंबर में कुछ प्लान सेट कर रहे हैं गिव अवे का, तो स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि हम आपको जब भी वो गिव अवे का प्लान सामने आए तब आप कम से कम उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ, थोड़ी सी पहले बार ट्राई कर रहे हैं गिव अवे का कुछ, तो इसलिए आप कनेक्टेड रहो ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको, और हो सकता है कि आप जीतो। देखो इतना बड़ा लेवल का चैनल नहीं है, इसलिए छोटा सा ही गिव अवे है, लेकिन कुछ करेंगे हम, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और कुछ सिंपल से टास्क देंगे उसको करके। वो गिव अवे का प्लानिंग कुछ ऐसा ही चल रहा है, अब बाकी आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, पता चलेगा आपको आगे चल के क्या हो रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपका काम है, तो अपना काम फटाफट से कर दीजिए, और नए वीडियो लाना हमारा काम है, तो हम अपने काम तो कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।